हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के बारे में। क्या दोस्तों, आप भी जैसे व्हाट्सएप को लॉगिन कर रहे हो तो क्या आपके भी यही एरर आ रहा है, यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप। यदि एरर आपके आ रहा है और आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देख लिए और आप देख देख के थक चुके हो, सबने एक ही तरीका बताया, जो तरीका बताया, मगर मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ बिल्कुल डिफरेंट बताने वाला हूँ, उससे आप 100% अपना जो व्हाट्सएप है यूज में ले पाओगे। अब ये आता किस वजह से, या तो आप जिस नंबर से अभी व्हाट्सएप लॉगिन कर रहे हो, इस नंबर से आपने कभी जीबी व्हाट्सएप, एफएम व्हाट्सएप या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चलाई हो जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं, गूगल पर अवेलेबल है, उस नंबर से आपने कोई ना कोई ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन व्हाट्सएप यूज में लिया होगा। इसकी वजह से ये व्हाट्सएप आपको सिक्योरिटी रिस्क की वजह से ये एरर दे रहा है। तो इसका कैसे सॉल्यूशन है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे मेन जो चीज है वो है डिस्क्रिप्शन के अंदर, मैसेज के अंदर आपको क्या चीज लिखनी, यदि वो आप सही से लिखोगे तो आप 100% व्हाट्सएप को यूज में ले पाओगे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। मेरा नाम है शेरू, स्वागत है आपका टेक्नोनर में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑफिशियल व्हाट्सएप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे को चलना पड़ेगा मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ आ गए हम सीधा मोबाइल स्क्रीन पर, और मैंने क्या क्या करके देखा वो देखिए आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले यहाँ करके हमें व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना, और मैंने यहाँ से वापस व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लिया, और यहाँ से कर दिया ओपन। यहाँ लैंग्वेज मांग रहा था, यहाँ मैंने इसको कर दिया इंग्लिश और कर दिया उसको राइट क्लिक। और यहाँ एग्री एंड कंटिन्यू बोल रहा था, यहाँ से कर देता हूँ उसको एग्री एंड कंटिन्यू और अलाउ पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है, और मैंने वाई फाइल्स में जाकर इसके अंदर जो फाइल बनती है व्हाट्सएप की उसको भी डिलीट कर दिया, पूरा क्लियर एंड क्लियर डाटा कर दिया वहाँ से। और यहाँ से मोबाइल नंबर एंटर करा और उसको यहाँ से क्या करा, नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद ये ओके और एडिट बोल रहा, ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद सबमिट होगा ऑटोमेटिक, और हमारे को इस तरीके का एरर देखने के लिए मिल जाता है, यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू यूज दिस अकाउंट। यानी कि इस नंबर से आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते हो, यानी कि आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप डाउनलोड करना पड़ेगा। और आपने प्ले स्टोर में जाके इसको कर भी लिया, मगर तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो अब आपको क्या करना है, इसको कर देना है यहाँ से बैक। बैक करने के बाद अब हमारे को क्या करना है, व्हाट्सएप पे यूँ प्रेस करके रखना है, और एक आई बटन आ रहा उस पर क्लिक करना है, और इसको क्या करना है, क्लियर एंड क्लियर डाटा यहाँ से कर देना है। अब कर दिया हमने यहाँ से, अब इसको आप फिर व्हाट्सएप को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब क्या होगा, ये हमारे को लैंग्वेज बोलेगा, तो यहाँ से कर दिया मैं इंग्लिश, इंग्लिश वाले पे क्लिक कर दिया, एग्री एंड कंटिन्यू बोला था, यहाँ एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल देते हैं, नहीं 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 यहाँ मोबाइल नंबर नहीं एंटर करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेनी है, तो यहाँ ऊपर 3 डॉट आ रहे हैं राइट हैंड साइड पर, उस पर आपको क्लिक करना है, और एक आ रहा है लिंक एंड कंपेरिजन डिवाइस एंड एक हेल्प का ऑप्शन आ रहा है, हेल्प वाले में हमारे को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम डिटेक्ट का एक ऊपर पेज बना हुआ गया इस तरीके का, दिस डज नॉट आंसर माई क्वेश्चन, इस पर हमारे को क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे को मैसेज के अंदर डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम के अंदर क्या चीज़ लिखनी है, तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, स्क्रीन शॉट ऐड कर देना, जो हमने स्क्रीन शॉट लिया था स्क्रीन शॉट आपको ले लेना। तो यहाँ मैं स्क्रीन शॉट ऐड कर दिया मैंने, और यहाँ मैसेज के अंदर हमारे को जो चीज़ लिखनी है वो मैं पूरी पूरी ऐसे लिख देता हूँ। मैसेज के अंदर जब लिखो तो आपको +91 जरूर लगाना है, यदि +91 नहीं लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। मैंने देखिए +91 जरूर लगा रखा है। अब क्या करना है हमारे को यहाँ से, ये देखिए पूरा इसके अंदर मैंने जो चीज़ लिखी है वो बिल्कुल सोच समझ के लिखी है, बहुत सोच समझ के फिर लिखी है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे कर देता हूँ उसको नेक्स्ट। बाकी ने जो तरीका बताया वो तरीका गलत है। अब यहाँ बोला दिस डज नॉट आंसर माई क्वेश्चन, ऊपर वाले पे किसी पे भी ध्यान नहीं देना, और यहाँ से इसको कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरीके का एक पूरा मेल पे चला जाएगा इस तरीके का, इसके अंदर आपकी पूरी डिटेल, फोन की डिटेल, सब चीज टोटल, ये देखिए डिवाइस मेरे पास A50 है, सब पूरी टोटल चीज आ जाएगी। ये देखिए पूरी सारी चीज आ गई, नीचे स्क्रीन शॉट आ गया, जिप फाइल आ गई, सब कुछ आ गया। अब क्या करना है हमारे को, यहाँ से इसको सेंड कर देना, बस इतनी सी हमारे को काम करना है। इतना सा काम करने के बाद अब क्या करना है, इसको बैक कर देना है। अब हमारे को जाना है गूगल क्रोम पर, दोनों काम करने हैं। सबसे पहले काम तो ये करना है, क्योंकि ये सिंगल काम करोगे आप तो आपको कोई मतलब नहीं है। मैंने यहाँ ऊपर सर्च करा था व्हाट्सएप सपोर्ट, और सपोर्ट करने के बाद कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप आ गया, तो इस पर कर देते क्लिक। क्लिक करने के बाद ये देखिए व्हाट्सएप मैसेंजर सपोर्ट, नीचे आपका बिजनेस वाला, बिजनेस वाले में प्रॉब्लम है तो बिजनेस वाले पर क्लिक करें, और नॉर्मल वाले व्हाट्सएप में प्रॉब्लम है तो नॉर्मल वाले पर करेंगे, ऐसा कर देते हैं उसको कॉन्टैक्ट। अब ये देखिए ये वाला तरीका बताया सबने, मगर सबसे पहले वो तरीका करना है आपको, स्क्रीन शॉट नहीं भेजोगे जब तक उनको कैसे मालूम पड़ेगा, इतने व्हाट्सएप बैन होते हैं, इतने सारे व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप की उनके पास रिक्वेस्ट गई होगी तो वो सबको नहीं देखते, जिसका स्क्रीन शॉट उनके पास गया होगा इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो वो चीज़ आपको पहले करनी है, ये चीज़ आपको बाद में करनी है। कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो यहाँ मैं मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ,
ये देखिए मोबाइल नंबर मैंने एंटर कर दिया वापस, यहाँ मांग रहा है ये ईमेल आईडी, तो यहाँ ईमेल आईडी आपको एंटर कर देनी है। ये मैंने ईमेल आईडी एंटर कर दी, कंफर्म में भी ईमेल आईडी मांग रहा है, तो यहाँ कंफर्म में भी मैं ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। ये मैंने कर दी, दो बारी कर दी। अब एंड्रॉइड में यूज में ले रहा था एंड्रॉइड, आईफोन में यूज में ले रहा था आईफोन, वेब या डेस्कटॉप पे ले रहा था वेब या डेस्कटॉप, अदर के लिए अदर, वही का वही मैसेज आपको यहाँ पे वापस कॉपी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ मैंने कर दिया कॉपी पेस्ट, प्लस 91 यहाँ पे भी लगाना जरूरी है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से इसको नेक्स्ट स्टेप कर देना। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप करोगे तो बाकी किसी चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना, सेंड क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेंड क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा हुआ था योर रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, वी आर विल बी गेट टू 3 डेज के अंदर आपको इसकी प्रॉब्लम है आपकी जो सॉल्व हो जाएगी। मगर सबसे पहले काम आपको वो करना है, स्क्रीन शॉट वाले करके मेल भेजना है, उससे आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी और उसका मेल भी फटाफट आ जाता है। ये देखिए शायद मेल आ भी गया मेरे पास, ये देखिए यह मेल आ भी गया है, ये देखिए चैट बैकअप ये सब चीज़ें बोल रहा है, ये देखिए मेल यहाँ आ भी गया है। अभी इसको चेक करेंगे, पूरा 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा पूरा चेक करेंगे इसको। और ये देखिए यहाँ बोल रहा ट्राई रजिस्टर्ड ऑन ए डिफरेंट फोन, यानी कि आप दूसरे फोन के अंदर भी एक बार लॉगिन करके देख सकते हो। अपग्रेड द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर फोन, यानी कि ये बोल रहा है कि आप अपग्रेड द ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका फोन है उसको अपडेट करके देखिए, या प्ले स्टोर में जाके व्हाट्सएप को अपडेट करके देखिए, इससे भी प्रॉब्लम शो आती है। ट्रबल शूट वाई यू कैन नॉट डाउनलोड फॉर अपडेट व्हाट्सएप, यानी कि अपडेट व्हाट्सएप के लिए बोल रहा। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे कारणों की वजह से भी आ सकती है। तो सारे काम पहले आप करके देख लें, उसके बाद भी यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो लास्ट काम आपको ये करना है। सबसे बढ़िया काम है कि उस व्हाट्सएप उस नंबर से दूसरे मोबाइल के अंदर लॉगिन करके देखिए, सबसे बेस्ट काम है। यदि उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उसके बाद आप किसी भी फ़ोन में लॉगिन कर सकते हो। और यदि किसी से भी आपका काम नहीं हो रहा तो उस सिम को आपको पोर्ट करा लेना, जियो की सिम है तो एयरटेल में पोर्ट करा लीजिए किसी दूसरे के नाम पे, फिर लॉगिन करके देखिए, 3 दिन में सिम पोर्ट हो जाती है, आपका 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी ऑफिशियल व्हाट्सअप वाली। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।